दिन समाभासम रवि उपद्रमाभिम छाया मार्तण शुभूतम तम नमामि शनिश्रम। शनि जयंती 30 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। शनि जयंती इस बार 30 मई सोमवार को मनाई जाएगी। शनि जयंती का दिन शनिदेव की पूजा उपासना करने का दिन होता है। शनि भगवान की कृपा पाने के लिए इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन का ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस बार शनि जयंती पर सालों के बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शनि जयंती ज्येष्ठ महीने की अमावस को मनाई जाती है। इस साल सोमवार को पड़ रही है, इसलिए सोमवती अमावस होगी। साथ ही इस दिन वट सावित्री का त्यौहार भी मनाया जाएगा। 30 साल बाद शनि जयंती के दिन शनि ग्रह अपनी ही राशि कुंभ में रहेंगे। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। शनि जयंती पर इतने सारे संयोग का बनना बेहद सुखद है। अमावस्या तिथि 29 मई को दोपहर 2:54 से शुरू होगी और 30 मई को शाम 4:59 पर खत्म होगी। 30 मई को ही शनि जयंती मनाई जाएगी। शनि जयंती के दिन सुबह जल्दी स्नान करके शनि मंदिर जाएं, शनिदेव की मूर्ति पर तीज चलाएं, दीपक जलाएं, शनिदेव को फूल माला और प्रसाद अर्पित करें, काली उड़द तिल काला वस्त्र आदि चढ़ाएं। आपको ये भी बता दें कि शनि जयंती के दिन ये विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। संभव हो तो उस दिन व्रत रखें, शनि मंदिर जाकर तेल अर्पित करें, इस दिन शनि चालीसा का पाठ करें। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लिहाजा शनि जयंती के दिन अच्छे कर्म करें, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, दान दें, किसी हसाय की मदद करें, साथ ही शनि मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। भगवान शनि की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति खेल फिल्म उद्योग विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है, यहाँ है लल्लूराम.com। सच कहेंगे लल्लूराम।